आप अपने जो टैलेंट है, जो आपकी वैल्यू है, वो आप कैसे बढ़ा सकते हो। पहले तो आप अपनी वैल्यू को किसी और के साथ तुलना ही मत कीजिए। आपकी वैल्यू आपके अंदर है, आपको ही जानना पड़ेगा कि आप कितना एफिशिएंट हो अपने हर कोई भी काम में। आपकी कॉन्फिडेंस हो या हर कोई चीज़ हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा आगे उसको लेके जाओगे। नहीं कोई दूसरा आपको जज करेगा कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हो अपनी ज़िंदगी में। दूसरी बात है कि आप अपनी जो हर कोई भी काम है और उसको आप एक सीरियसनेस के साथ करते हो, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा सीरियस मेंटलिटी के साथ नहीं करना चाहिए जिससे कि आप उसको उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचो कि उसके वजह से आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाए या आपकी जो काम करने की तरीका है और आपकी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू करते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच कर जा रहे हो कि अगर मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो कुछ गलत सवाल पूछ दिए, जो कुछ बड़े सवाल पूछ दिए, अगर मुझे नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, भले उसके बारे में सोच कर जाना। अब ये सोच कर जा सकते हो कि इंटरव्यू में जो भी होगा मैं उसको 100% अपना दूँगा और मैं कॉन्फिडेंट होगी जो मेरी मेहनत है वो रंग लाएगी ज़रूर, और मैं हर कोई भी चीज़, हर कोई भी परिस्थिति में मुझे जैसा भी डाला जाए मैं उसको अचीव करूँगा, और मैं इस जॉब को या इस सेक्टर को या इस स्ट्रीम को अचीव करूँगा। इससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी और आपके अंदर खुद की जो वैल्यू सिस्टम है वो इंक्रीज होगी, जिससे आपकी जो रिजल्ट देने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। आपके अंदर वो हर किसी वही चीज़ है जो आप चाहते हो आप पाने के लिए, लेकिन आपकी माइंड सेट की प्रोसेस ही आपको उसके ओर ढलने में थोड़ी सी इधर उधर करती है, क्योंकि हमारी जो माइंड प्रोसेस है वो सहजताएँ चीज़ें हमेशा आग्रह करती है, और हम बहुत ज़्यादा जब सीरियस हो जाते हैं तो हमें डर सी लगने लगती है कि अगर इससे गलत हो गया तो क्या होगा। इसके सिवा हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक एनर्जेटिक माइंड के साथ अगर जाएँ कोई भी चीज़ काम को करने के लिए और उस चीज़ को सिर्फ खेलने की जैसा करें जैसे, तो आप जीत सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।